attachment and engagement as embedded in schools. आए देखें जिस रिसर्च को हम देख रहे हैं उसमें क्या जनरल रिजल्ट्स आए थे. बट बिफोर वी टॉक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी वन हैज टू कीप इन माइंड दैट स्कूल इज अ सोशल माइल्यू. बाय स्कूल बीइंग अ सोशल माइल्यू वी मीन के स्कूल जो होता है वो अपने आप में एक बड़ा सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है. एंड दैट सोशल कॉन्टेक्स्ट इज नॉट जस्ट गिविंग कॉग्निटिव एजुकेशन टू द चिल्ड्रन. दैट मीन्स उसको सिर्फ इंटेलेक्चुअल फीडबैक नहीं दे रहा होता या पढ़ाई सिर्फ लिटरेसी नहीं दे रहा होता. इट इज एक्चुअली शेपिंग द होल कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. एंड दिस इज ऑल्सो द एम ऑफ द एजुकेशन कि पूरे बच्चे को किस तरह से मोल्ड करना है, किस तरह से उसे बताना है कि सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है उसने अपने पीयर्स से, अपने एल्डर्स से, और किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है. तो स्कूल का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है इट इज अफेक्टेड बाय द आउटर सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. सो रिजल्ट से ये पता चला कि इंटर रेशियल कॉन्टेक्ट वॉज पॉजिटिव फॉर द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एंड वेन एवर ऑल दीज थ्री रेसेस दैट इज द वाइट्स, एफ्रो अमेरिकन्स एंड हिस्पैनिक पॉपुलेशंस studied together, it led to, it was in favor of the Afro-Americans and Hispanic population. Yani student achievement jo thi, wo minority group ke bachon mein zyada thi. However, jo ye results the, wo thode se differ karte the. Jahan bhi unhone dekha ke school ki population ka composition mein kisi ek race ke bachche काफी ज्यादा है तादाद में, दैट मीन्स देर इज अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वन स्पेसिफिक रेस, द चिल्ड्रन ऑफ द अदर रेसेस वर लो इन अटैचमेंट. तो उनकी फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑफ द अदर रेस वॉज लो एंड दे डिड नॉट फील सो मच एज इफ के स्कूल उनका है और उनसे स्कूल से उनकी अटैचमेंट जो थी या इमोशनल attachment was less. And it also affected their engagement in school. Lekin engagement phir bhi rahi, lekin bahut zyada jo inhone effect uska dekha wo attachment pe dekha. Ye bhi dekha gaya ke in schools mein the composition of the teaching staff also mattered. Jahan pe minority students ke liye teachers ke andar रोल मॉडल्स मौजूद थे वहां द स्टूडेंट्स डिड बेटर एंड दे फेल्ट मोर एंगेज्ड एंड अटैच्ड टू द स्कूल. जहां पे वो रोल मॉडल्स कम थे वहां पे ये थोड़ा सा वहां पे लोअर आया. फिर ये देखा गया कि कैथोलिक और जो प्राइवेट स्कूल्स थे दे वर मोर बेनिफिशियल टू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स और पब्लिक स्कूल्स के बजाय माइनॉरिटी स्कूल्स की अटैचमेंट और एंगेजमेंट उन स्कूल्स में ज्यादा रही जहां पे वो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे थे. एंड इन दीज प्राइवेट स्कूल्स देयर वाज लेस एब्सेंटीज्म एंड द ड्रॉप आउट रेट ऑफ दीज माइनॉरिटी स्टूडेंट्स वाज आल्सो लेस. देन देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो दैट अफेक्ट एंगेजमेंट एंड अटैचमेंट. एक फैक्टर था सोशो इकोनॉमिक कंपोजिशन ऑफ द स्कूल. अगर एक क्लास के या बहुत हाई क्लास के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे थे तो लोअर क्लास के जो बच्चे थे चाहे वो माइनॉर चाहे वो किसी भी रेस के हों तो दे परफॉर्म्ड लेस बेटर. हाउएवर जो पूरा एकेडेमिक एटमोस्फियर था वो पूरा जब डिफरेंट क्लासेस के बच्चे साथ पढ़ते थे तो पूरा एकेडेमिक एटमोस्फियर वॉज डिफरेंट फ्रॉम स्कूल्स वेयर देयर वॉज सोशियो इकोनॉमिक सॉर्ट ऑफ सेग्रीगेशन. अब यहां पे ये जहन में रखें कि जो सोशियो इकोनॉमिक बेस पे जो सेग्रीगेशन होती है वो समहाउ एट टाइम्स स्कूल में डिफेक्टिव हो जाती है या कुछ एडमिशन के सिस्टम्स और कुछ इन्होंने रखा ही इस किस्म से होता है कि बच्चे साथ नहीं पढ़ते